नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को 5 दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर CDPO, DPO और महिला पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा जांच किया जाएगा, उसी के संबंध में यहां पे एक खबर आ रही है कि पूर्णिया पूर्व के 243 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पौष्टिक लड्डू का वितरण शुरू हुआ, जिसमें कि DPO व CDPO ने केंद्रों का किया निरीक्षण, टीकाकरण पर भी दिया जोर। तो जो DPO और CDPO हैं उन्होंने जाके केंद्रों का निरीक्षण किया कि आप लोग पौष्टिक लड्डू का वितरण किस प्रकार से कर रहे हैं। तो खबर में आगे बढ़ने से पहले, आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए बढ़ते हैं खबर में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर जो डेट दिया गया है, यहाँ पर डेट देख लीजिए, 28/7/2021 यानी आज ही के दिन इस खबर को दिखाया गया है। और ये खबर जो है कि दैनिक भास्कर में छपी हुई है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब छोटे छोटे बच्चों को पौष्टिक लड्डू का वितरण शुरू हो गया है। सोमवार को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी राखी कुमारी, CDPO गुंजन मोली, महिला पर्यवेक्षिका लक्ष्मी कुमारी, मनीषा कुमारी, बेलौरी केंद्र के केंद्र संख्या 14 पर पहुँच कर सेविका द्वारा तैयार पौष्टिक लड्डू का निरीक्षण करते बच्चों के बीच वितरण किया गया। यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई जा रही है, जैसे कि यहाँ पे CDPO, DPO, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और बच्चे भी मौजूद हैं जिनको कि निरीक्षण दिया गया सेविका सहायिकाओं को कि जो पौष्टिक लड्डू का वितरण करना है वो किस प्रकार से करना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया, पूर्णिया पूर्व के बेलौरी आंगनबाड़ी केंद्र 14 में लड्डू वितरण करते पदाधिकारी, तो उन्हीं के मौजूदगी में जो लड्डू वितरण किया गया उसकी तस्वीर यहाँ पे दिखाई जा रही है। साथ साथ डोर टू डोर हो रहे COVID-19 वैक्सीनेशन का भी जायजा लिया तथा उपस्थित सेविका सहायिका से कहा कि 100% डोर टू डोर टीकाकरण कराना है, किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य टीका लेने से छूटे नहीं। तो जैसे आप सभी को मालूम है COVID-19 वैक्सीनेशन का जो समय चल रहा है, तो आप सभी सेविका सहायिकाओं को डोर टू डोर जाना है और जो परिवार के सदस्य हैं उन सभी को जागरूक करना है। तो इस चीज़ के बारे में भी CDPO ने सभी सेविका सहायिकाओं को भी इसके बारे में भी निर्देश दिया। इस दौरान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी राखी कुमारी ने कहा कि सभी केंद्रों पर प्रतिदिन मेनू के अनुसार लड्डू का वितरण किए जाने का निर्देश दिया। वहीं CDPO गुंजन मोली ने बताया कि परियोजना के 243 आंगनबाड़ी में पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व में चावल, दाल इत्यादि से बना गर्म पका भोजन दिया जाता था। सभी केंद्रों पर साप्ताहिक मेनू के अनुसार आपको लड्डू वितरण करना है। केंद्र बंद रहने के कारण चावल दाल दिया जा रहा था, इसी के स्थान पर अब सभी बच्चों को डायरेक्ट पौष्टिक आहार देने के उद्देश्य से सत्तू, मूंगफली, हरी मूंग, बादाम, घी, गुड़ समेत अन्य खाद्य पदार्थों से तैयार पौष्टिक लड्डू आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को देने की शुरुआत कर दी गई है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो सत्तू का लड्डू और पौष्टिक लड्डू देना है, जिसमें कि मूँग दाल, हरी मूँग दाल, बादाम, घी, गुड़ समेत इन सारे खाद्य पदार्थों से तैयार करके आपको लड्डू बना के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी में वितरण करना है, और इसकी शुरुआत भी सभी जगहों पर हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आप सभी को इस छोटी सी खबर से कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।